हेलो दोस्त, मेरा नाम सुरेश। एलपीआर किट अपन फिटिंग करने जा रहे हैं। कैसे इसको फिटिंग करना है, तो अभी इसका जो जो पार्ट खराब हुआ था वो नया लेके आया हूँ। फिर वो एलपीआर किट का ये पर्दा है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर देख लो, ठीक है। और ये एलपीआर पट्टी और इसका पार्ट नंबर, ठीक है। तो कभी भी डालना तो ओरिजिनल सामान डालना, डुप्लीकेट डालोगे तो मतलब ये चलने वाला नहीं है, कुछ दिन के बाद फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए कभी भी ओरिजिनल सामान डालना है। तो अभी ये ये जो जूना वाला है इसको तो अब इसका कुछ काम नहीं है, तो हटा देना है। और ये जूना ऊपर का एल पी आर का एकदम न्यू जेनुइन पार्ट है बजाज का, तो एल पी आर किट। और इसका ये पट्टी तो मैं पहले से यहाँ पे फेविकिक लगा के लिया हूँ। फेविकिक लगाने से कभी ये क्या रहता है, कभी घूमता नहीं है रबर। फिर ऑयल जाने के बाद एलपीजी कचरा जब चले जाता है इसके अंदर, तो मतलब ये घूमने लगता है, उससे स्टैंडिंग ट्रबल देने लगता है, गाड़ी ज़्यादा करके बंद होता है। तो यहाँ पे कभी भी थोड़ा सा नॉर्मल फेविकिक लगा दें, जिससे ये घूमेगा नहीं तो घूमते रहता है हवा के प्रेशर से, क्योंकि तो प्रेशर यहाँ से आता है और ये प्रेशर वैसे ही ये घूमता है। तो मैं थोड़ा सा इस पर फेविकिक लगाया हूँ, और फेविकिक सूखने के बाद 5 मिनट के बाद तब जाके इसको फिट करना है। तो ये इसका पिन, ये पिन हो गया, तो अभी इसको यहाँ पे साइड पर रख देना है, पट्टी लगा के लेना है वाला, ऐसे दूसरा भी लगा के लेना है वाला लॉक पट्टी। और पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा 2 आटा लगा देना है इसके अंदर। अभी ये जो है पट्टी, ये देखो, ये इसको अंदर की तरफ इसमें से डाल के, ठीक है, देखो बैठ गया। अब इसका लॉक पट्टी जो है इसके ऊपर चढ़ाना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लॉक पट्टी चढ़ गया, टाइट कर देना है। अब दूसरा भी लॉक पट्टी इसके ऊपर चढ़ाना है, फिर इसको टाइट करना है। लॉक पट्टी कभी भी सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों को मैं टाइट करके लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। वो पट्टी को टाइट कर दिया, ठीक है। और ये जो एवरेज स्क्रू पे, इसको पूरा खोल के एकदम लेवल पे लेके आना है, ठीक है, तभी ये पट्टी बैठेगा, नहीं तो पट्टी नहीं बैठ पाएगा। तो ये नया वाला पर्दा है, ये वाले खाँचे में बैठाना है इसको, ठीक है। ये बैठ गया, और बैठने के बाद ऐसा घुमा के चेक करना है, ठीक है। और ये बराबर इसके सब पीछे पीछे होल मैचिंग करना है, होल होल मैचिंग कर लिए। और ये ऊपर का इसका कवर है, फिर ये ऊपर का इसका कवर है, तो कवर अच्छे से क्लीन रहना चाहिए अंदर की तरफ। और यहाँ पर कुछ भी लगाया तो इसको अच्छे से एक्सो ब्लेड से साफ करके लेना है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है खाँचा, ये बराबर ऐसा बैठना चाहिए एवरेज वाले स्क्रू के सामने, ठीक है। इसको लगा लिए, अब इसका 6 बोल्ट इसमें डाल देना है, ठीक है। अभी इसको अच्छे से टाइट करना है, और सामने सामने का टाइट करके लेना है ऐसा, ठीक है। और मैं टाइट करता हूँ तो आगे का वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है, टाइट में कर लिया हूँ इसको, अच्छे से सामने सामने का टाइट करना है। 8 गट्टी पाने से ही टाइट किया जाता है, तो 8 का रिंग पाना भी रहेगा, उससे भी टाइट कर सकते हैं। और ज़्यादा जोर से टाइट नहीं करना, उससे क्या होता है पैकिंग है ना, फट जाता है। तो नॉर्मल हाथ से टाइट करना है इसको। सब टाइट हो गया, अब ये टाइट हो गया, अब ये साइड का फिट करना है, ये साइड दूसरे साइड का फिट करना है। सेम वैसे ही फिट करना है जैसे वो था पहले वाला, आगे का वैसे सेम इसको फिट करना है। तो अभी ये हो गया इसका पर्दा, और ये पट्टी, और पट्टी देखना यहाँ पे कटा रहेगा तो इसको बदली कर देना है पट्टी को। और किसी किसी जल्दी ख़राब नहीं होता है, कभी ख़राब हुआ तो इसको बदली कर देना है। और ये इसका पिन इसमें डाल के, ठीक है, ये पिन फिट किया। और इसका ये स्क्रू लॉक पट्टी के साथ में, पहले लॉक पट्टी बैठा लेना है, ठीक है। इसका लॉक पट्टी, यहाँ पे इसका खाँचा है, खाँचे में बैठना चाहिए लॉक पट्टी। और ये लॉक है, इसके ऊपर डाल के लेना है। तो
लॉक पट्टी कभी भी सीधा रहना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके लेता हूँ, अभी टाइट हो गया। अब इसका जो ये पर्दा है वो बैठाना है, ये देखो ऐसा पकड़ के इसको मेरे पर्दा को, और ये बराबर इसके खाँचे में फिट कर देना है। ठीक है, फिट करने के बाद इसको देख रहे हैं, इसका स्प्रिंग है, कोई भी साइड में बैठा सकते, कुछ नहीं इसका प्रॉब्लम। स्प्रिंग ऊपर ऐसा लगा के, और जो कवर है ये सेटिंग रहता है यहाँ पे, इसको छेड़ना नहीं है कभी सेटिंग को, नहीं तो हो गया स्प्रिंग का टेंशन बढ़ने की वजह से गैस भी ज़्यादा फेंक सकते इसको। एक एक नट लगा लेना है इसका बोल्ट, तो ये दो बोर्ड लग चुका है, तो बाकी बोर्ड लगाना है। ठीक है, ये लगा के लेता हूँ फटाक से मैं बोर्ड, अभी तो ये सब मैं टाइट कर दिया हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा हाथ मार के लेना है सर, लाइन से पूरा सामने सामने का। ठीक है, और नॉर्मल हाथ से टाइट करना है, ज़्यादा जोर से टाइट नहीं करना है, रबर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अभी एक किट ओके हो गया पूरा एकदम, इसको फिटिंग कर दी है। तो इसके ऊपर का जो पाइप है, यहाँ का पाइप लगाना है, और ये एयर पाइप, तो ये उसका पाइप है, और पाइप साफ़ करने कोई ज़रूरत नहीं, पाइप में कुछ कचरा नहीं होता है। ठीक है, ये जो पाइप है यहाँ पे कुछ इतना टेप्लोन टेप लगाने कोई ज़रूरत नहीं, इसको हाथ से भी टाइट कर सकते हैं। तो वो LPR किट फिटिंग करने जा रहे हैं रिक्शे में, तो इसको फिट करने के लिए ऊपर से सा डाल के गैस का पाइप लगाना है इसको, तो 19 के पानी से इसको टाइट करना है, और किट के नीचे तरफ ये दो दो बोल्ट रहता है, ये वाला 8 नंबर का दो बोल्ट रहता है नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें लगा के लेना है, एक लग गया, और ये दूसरा वाला इसको दोनों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है किट का, LPR किट का के हाथ से। टाइट हो गया एक, ये भी टाइट हो गया, अब ये जो पाइप है ये तो पाइप लगा के लेता हूँ, पाइप लग गया, ये जो क्लिप है क्लिप को इसके ऊपर चढ़ा देना है, ये तो क्लिप कैसे चढ़ना है, ये पकड़ के मदद से क्लिप लगा के लेना है, और ये ऊपर एयर पाइप है, एयर पाइप यहाँ पे लगाना है, देखो यहाँ पे देखो एयर पाइप ये यहाँ पे लगाना है। अभी किट फिटिंग हो चुका है, देखो किट फिटिंग हो गया, अभी गाड़ी स्टार्ट करना है। LPR किट बैठा के सेटिंग मार के चालू हो गया गाड़ी, राउंड भी मार के आया, गाड़ी का पहले से पिकअप थोड़ा बढ़ चुका है किट का, ओल्ड किट से न्यू करने में गाड़ी में थोड़ा पिकअप में फ़र्क गिर चुका है अभी पहले से, अभी स्टार्टिंग भी इसका अच्छा हो चुका है गाड़ी का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और मैकेनिक भाई लोग से बोलता हूँ, जैसे मैंने इसका चेंज किया कि ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल किट बनाया LPR, तो ऐसे आप लोग भी बनाए, और ये देखो वहाँ पे दिख रहा है ना, और इसका जो एयर पाइप कार्बेटर से लगा हुआ रहता है ना वो, ये देखो ये मैं यहाँ से अभी इसको इसमें लगा दिया हूँ बोल्ट में, अब ये क्या करूँगा, इसको जो पाइप का इसका कनेक्शन है ये बंद कर दूँगा, बंद करिए तो इसमें उस बोल्ट डाल के रहे तो ये उसका होल बंद कर दूँगा, तो होल बंद करने से तो इससे कार्बेटर से कुछ फ़र्क नहीं गिरता है, इस कार्बेटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर जो DS4 में कार्बेटर दिया रहता है सेम सिस्टम कार्बेटर का वैसा हो जाता है। ठीक है,
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ये सिर्फ वीडियो मतलब अपना एक दोस्त है, उनके कमेंट पे वीडियो बनाया मैं LPR किट का, और बहुत दिन से सोच रहा था बनाने को लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और ये वीडियो बनाने में जो गाड़ी रिपेयर कराने के लिए आते हैं उनसे वीडियो बनाता हूँ मैं ज़्यादा करके। थैंक्स दोस्त वीडियो देखने के लिए।